नमस्कार दोस्तों, वाई एस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि चैप्टर 3 है 10th क्लास में। और वहां से एक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, देखो लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है आपको, टेन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो इसमें आपको कुछ लैड करना होता है। देखिए यहाँ पर क्या लैड करना है, तो लैड कर लेते हैं हम यहाँ पर कि जो पोर्शन आपको ये एक्स प्लस वाई डिनोमीटर में दिया है, एक्स माइनस वाई डिनोमीटर में दिया है, इसको कुछ लैड कर लेते हैं। तो लैड वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। यानी कि आपने वन अपॉन एक्स प्लस वाई को ए लेट कर लिया। आप कोई भी अदर वेरिएबल यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो एक्स और वाई के कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अदर वेरिएबल्स यहाँ पे यूज करना है और वन अपॉन एक्स माइनस वाई को आपने यहाँ पे बी लेट किया है। तो जब आपने इसको लेट किया तो इससे देखिए इक्वेशन में क्या आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये टेन अपॉन एक्स प्लस वाई है और वन अपॉन एक्स प्लस वाई को आपने क्या लेट किया है, ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेन ए हो जाएगा प्लस टू और ये बी हो जाएगा इज इक्वल टू फोर। तो आप चाहें तो यहाँ पर इक्वेशन वन लेट कर सकते हैं। ठीक है, आपका दूसरा इक्वेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप दूसरा इक्वेशन देखिए क्या है, फिफ्टीन ए हो जाएगा ये आपका माइनस फाइव बी इज इक्वल में आपका माइनस टू आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर टू आ जाएगा। अब आपको या तो एलिमिनेशन मेथड करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है या फिर आप ग्राफिकली मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप एलिमिनेशन देखते हैं तो सबसे आसान लगता है कि उसे इजीली हर कोई बच्चा कर सकता है, तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन में अप्लाई करना चाहेंगे। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि आपको या तो ए कोफिशियंट या फिर बी कोफिशियंट को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ए का कोफिशियंट है टेन और फिफ्टीन और यहाँ पर टू और फाइव है बी का कोफिशियंट। तो अगर आप इस इक्वेशन में फाइव से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें टू से कर दें तो आपके इक्वल हो जाएंगे। तो आप करेंगे इस इक्वेशन वन को फाइव से मल्टीप्लाई और जो इक्वेशन टू है उसको आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव टेन जा फिफ्टी ए हो जाएगा प्लस फाइव टू जा टेन बी हो जाएगा इज इक्वल टू फाइव के फोर में करेंगे तो ट्वेंटी हो जाएगा। इसमें आपको टू से मल्टीप्लाई करना है, तो फिफ्टीन की टू से करेंगे तो थर्टी ए हो जाएगा माइनस टेन बी हो जाएगा इज इक्वल टू में माइनस का फोर हो जाएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन आई है आपकी, इक्वेशन थ्री एंड फोर है, ये इक्वेशन आपकी अब सॉल्व करना है आपको। तो देखें अपोजिट साइन है, जो बी का कोफिशिएंट आपने इक्वल किया है उनके साइन कैसी अपोजिट है। तो अपोजिट है तो क्या होगा, ऑन एडिशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मैंशन करेंगे ऑन एडिशन और एडिशन के बाद आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो 50a प्लस 30a आपका हो जाएगा 80a और इधर इक्वल में आपका 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तब आप यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो a क्या हो जाएगा आपका 16। अब 80 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 5 क्योंकि 16 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। अब ये वैल्यू या तो आप इक्वेशन इसमें पुट कर सकते हैं वन में या फिर इक्वेशन टू में। तो पुटिंग इन इक्वेशन टू या वन, जिसमें भी आपको करना है आप कर सकते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में आपको किसके प्लेस पर वैल्यू करना है, ए के प्लेस पर वन अपॉन फाइव रखना है। ये आपका इक्वेशन वन है, टेन मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर वैल्यू आ जाएगी आपकी वन अपॉन फाइव प्लस टू बी और इक्वल में है आपका फोर। अब देखिए फाइव से टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो टू प्लस टू बी इज इक्वल टू फोर हो जाएगा। तो यहाँ से टू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर। अब ये टू इधर है आपका प्लस, तो उधर जब आप इसको लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो टू बी इज इक्वल टू टू आ जाएगा। यहाँ से आप जब बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टू अपॉन टू, अब बी की वैल्यू यहाँ से वन आ जाएगी। तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू मिल चुकी है वन अपॉन फाइव और बी की वैल्यू मिल चुकी है वन। अब इससे आपको क्या करना है, इक्वेशंस बनाना है कि जो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, वन अपॉन एक्स प्लस ए की वैल्यू क्या थी आपकी, वन अपॉन एक्स प्लस वाई
इसको आपने एक एक करवाना था, और ए की वैल्यू क्या है 1/5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इधर, तो ये इक्वेशन नंबर आपका 5 बन जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए बी की वैल्यू क्या थी आपकी 1/(x-y) और ये किसके इक्वल हो जाएगी 1 के हो जाएगी, तो 1 के डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इक्वल कर दीजिए तो x-y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। अब आपके इक्वेशन बन के आते हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x-y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 5 और 6 है। आप इनको फिर से सॉल्व करेंगे तो आप चाहे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें या फिर सब्स्टिट्यूशन करें, क्योंकि पहले हमने एलिमिनेशन अप्लाई किया था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एलिमिनेशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके जो कोफिशियंट्स ऑफ वाई इक्वल है और अपोजिट साइन है, तो फिर से वही आपका ऑन एडिशन यहाँ पर आ जाएगा। एडिशन करेंगे तो वाई से वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5+1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना है तो 2 उधर आपका डिवाइड में चला जाएगा 6/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। अब ये वैल्यू या तो आप इक्वेशन 5 में पुट कर सकते हैं या फिर आप इसे इक्वेशन 6 में पुट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इक्वेशन 6 में करना है तो पुटिंग इन इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 क्या है आपकी x-y इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो 3-y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 1, 3 इधर आपका प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा -3, तो -y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो माइनस का बचेगा यहाँ पर, माइनस से आप माइनस कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी 2 आ जाएगी। अब आपको ये चेक करना है कि जो ये आंसर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 आपको आया है, क्या ये गलत है या फिर ये सही आंसर आपको मिला है। तो आप ये वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो इनिशियली आपको इक्वेशन दी गई थी। इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में दी गई थी 10/(x+y+2/x-y)=4, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके देखिए, अगर दोनों साइड की वैल्यूज इक्वल आ जाती है तो आपका आंसर सही है, अगर वैल्यूज अलग अलग आती है तो आंसर आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए 10/(x) की वैल्यू क्या है आपकी 3 प्लस y की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2/(x) की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू में 4 आना चाहिए। तो अब देखिए 10/(3+2) आपका 5 हो जाएगा, प्लस 2/(3-2) करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2+2 क्या आ जाएगा 4। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 वैल्यू आई है वो सही है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन।